अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी दस्तरखान। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब? आज हम अपनी किचन में बना रहे हैं बटर चिकन। ये बहुत ही लजीज डिश है, खाने में बहुत मज़े की लगती है और कढ़ाई और अचार गोश्त वगैरह से बिल्कुल इसका डिफरेंट जायका आता है। इसके लिए हमने लिया है 1.5 किलो चिकन, 1.5 पाव दही, 2 से 3 टीस्पून है ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून भरा हुआ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर और 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है ये नमक, 2 टीस्पून है धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून है पिसा हुआ ज़ीरा और 1.5 टीस्पून ही है साबुत ज़ीरा। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए हम इसके जो लेग पीस हैं हल्के हल्के से इस पर कट लगा लेंगे, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये अंदर तक से बहुत जूसी और बहुत मज़े की बनती है। और हम बाज़ार का चिकन खाते हैं तो उसके अंदर अक्सर वो ब्लड ब्लड सा आता है जो तबीयत में कराहियत पैदा कर देता है, खाने में मज़ा नहीं आता, तो इसमें वो चीज़ नहीं होती है। हमने सारे मसाले, जीरा पाउडर, पिसा हुआ धनिया पाउडर और साबुत जीरा सब इसमें मिक्स कर दिया है, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर हमने इसमें डाल दिया, नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट और ये दही इसमें हम ज़रा ज़्यादा ही इस्तेमाल करेंगे। आप अगर इससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम इसको हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन हम आधे से एक घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। इसके मसाले भी मैं आपको बीफ बिरयानी की तरह 2 हिस्सों में बताऊंगी ताकि आपको पकाने में परेशानी ना रहे और बहुत अच्छे तरीके से जहन नशीन हो जाए। आप लोग अगर मेरी रेसिपी को अच्छी तरीके से कॉपी करना चाहते हैं तो बगैर स्किप किए मेरी वीडियो पूरी देखा करें, फिर आपके खानों में इतना बेहतरीन चेंज आएगा कि पूरी फैमिली के लोग आपकी तारीफ करेंगे। चलें जी, ये हमारा चिकन रेडी है मैरिनेशन के लिए। अब हम इसे 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए रख देते हैं। ये चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, तकरीबन 45 मिनट इसे हो गए हैं। अब हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमने पैन रखा, उसमें ये हमने आधी प्याली तकरीबन ऑयल की डाली, अब हम ये चिकन इसमें पकने के लिए रख देंगे। पकने तक पकाएंगे, चिकन का रंग चेंज हो जाए। इसे कवर कर दिया और फ्लेम हम थोड़ा लो कर देंगे और इसे तकरीबन आधा घंटा लगेगा। तो व्यूअर्स, मैंने आपको बताया था कि बटर चिकन के अज्जा मैं आपको 2 पोर्शन में बताऊंगी, वो तो मैरिनेशन के अज्जा थे, अब ये ग्रेवी के जो अज्जा हैं उसके लिए हमें फिर चाहिए तकरीबन 1 प्याली ऑयल की और ये 4 दरमियाने साइज के प्याज हैं बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए और तकरीबन 6 से 7 टमाटरों की प्योरी है, 1 कप दूध है, 1 कप मलाई या क्रीम है, 2 से 3 टेबल टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और ये 1/2 टीस्पून हमने चीनी ली है बटर चिकन में, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और ये 1/2 टीस्पून ही सफ़ेद और काली मिर्च का पाउडर है, ये 1 कप दूध था और ये है मलाई, ये गार्निशिंग के काम आएगी। 1 कप मलाई तो हमने निकाल ली है और 1 कप गार्निशिंग के काम आएगी। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं।
बनाए लिए हमने। बारीक कटी हुई प्याज हम हल्की सी फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते रहेंगे। देखिए प्याज का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हमने इस पर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया, पिसी हुई मिर्चें, चिकन मैरिनेशन में हमने अलग मिलाई थी और इसमें अलग हल्दी और नमक, सफ़ेद और काली मिर्च का पाउडर, इसे थोड़ी देर तक और पकाएंगे कवर करके। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं हमारी चिकन किस पोजीशन में है। अभी इसमें पानी है, हम इसे पानी खुश्क होने तक फ्लेम पे ही रखेंगे। इसे कवर कर देते हैं, मज़ीद 10 से 15 मिनट लगेंगे। ये जी मज़ेदार सी हमारी ग्रेवी रेडी है बटर चिकन की। अब हम ज़रा चिकन देखते हैं किस पोजीशन में है। ये अभी सुनाई के करीब है और इसकी बाकी भी हुई उससे भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने दो टीस्पून हमने इसमें बटर ऐड किया, किसी ब्रांड का कर सकते हैं। और अब हम ये चिकन उठाएंगे और इसमें ऐड करेंगे। ये हमने क्रीम इसमें ऐड की, बहुत ही इसका रिच फ्लेवर आता है। ये दूध और ये हाफ टी स्पून चीनी। अब हम इसे कवर कर देते हैं और पानी खुश्क होने तक इसे अच्छे तरीके से पकाएंगे और फिर बस इसे भून लेंगे। ये जी हमारा बटर चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे। हम इसे डिश आउट करते हैं। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया। हमने दो चुटकी कसूरी मेथी के लिए इसको हम वैसे हथेली से मसल लेंगे, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये इसके ऊपर डाल दी। हरी मिर्चों से और अदरक से इसको गार्निश कर लेंगे।
ये हमने बटर लिया और ये हम इसको ये हमारा मज़ेदार बटर चिकन रेडी है। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।